नमस्ते स्टूडेंट्स, खुश रहो बढ़िया हो भाई। जेवीएन डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस ज्योति विद्यापीठ जयपुर, क्लिनिकल कंसल्टेंट सूर्यांश आरोग्य शाला ज्योति विद्यापीठ जयपुर एंड हॉस्पिटल जयपुर। Previous class we discussed about the lockout, and in today's class consequence we discussed about the about pachan karam. Pachan karam rakt mokshan yani rakt vishram karne ka shastrakrat ek prakar hai jisme shastra ke dwara rakt vishram kiya jata hai। शस्त्र के द्वारा रक्त विश्राम दो प्रकार से किया जाता है, एक तो पच्छान और शिरावेद। तो अपन आज डिस्कस करेंगे पच्छान कर्म। तत्र ऋजु संकीर्ण सूक्ष्म गाढ़ अनुतश्चात् शस्त्रपाति मर्म शिरा स्नायु संधि नाम जानुपगाति। पच्छान कर्म सरल है, संकीर्ण समान नति गंभीर नति। इस प्रकार करें, दूषित स्थान पर पहचान करते हैं, मर्म सिरा स्नायु संधि का परीक्षण करते हुए शीघ्रता पूर्वक क्रिया। इस सूत्र के चौदह अध्याय में बताया है पहचान निषेध कहाँ का। पहचान निषेध तत्र दुर्दिने दुर्विद्ये शीतवात् शीतवात् तो बरियो ऐसी ऐसी दे उस वाते कंदत्वात् सोनिकम् न श्रवति अतल्पम् वा श्रवति। अर्थात मेघ वर्षा आदि होने पर, दुर्विद्य स्थान में तक शिरा संधि आदि उपस्थित होने पर, शीत वायु की उपस्थिति में शोधन कर्म के बगैर अथवा भोजनोत्तर तुरंत पहचान कर्म करने पर रक्त स्खंडित होता है, जिससे रक्त स्राव होता ही नहीं अथवा अतुल्प मात्रा में होता है। मध मूर्छा श्रम से पीड़ित अपान और मलमूत्र का रोध होने वाले नियमित्वाधीन वीरु रुग्णों में सम्यक रक्त श्रवण नहीं होता है। रक्त श्रवण पच्छाण अयोग्य लगते हो। दुष्टम शोणितम अनिर्यमाणम कंडुशोक रागदा पाक वेदना जनित उसे सूत्र ज्ञान होता है। 14 पहचान कर्म के द्वारा सम्यक श्रवण न होने पर रूप में कंडु शोक लालिमा दा पाक तीव्र वेदना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। अति योगम लक्षणम अति उष्णो अति स्विन्नो अति विद्ये श्रावितम अति प्रवर्तते तद अति प्रवर्तम शिरो अभितापम आंदम अति मंतम तिमिर प्रादुर्भावम दातुक्षय अक्षेपकम पक्षगातम एतांग वीरम तस्ना दाहु इकास्काजम पांडुरोग मरणम चापादेति। अति उष्ण ऋतु में अधिक क्षेत्र देने पर अधिक वेद होने पर तो अज्ञान वेद के द्वारा श्रवण करने पर रक्त अधिक मात्रा में स्रवित होता है। इस प्रकार अति योग होने पर रोगिता पंजत ज्योति मन को तिमर आदि यदि वेद निर्माण होते हैं। साथ ही धातु से अक्षय पर पक्ष आएगा तो स्वास्थ्य पांड रोग उत्पन्न होते हैं, मृत्यु भी हो सकती है।
मोक्षणीतकालम नतिष्णु नतिस्वेदितुग्नो नतिष्ण तथा रक्त मोक्षण से पूर्व रुग्ण को यवाग उपान करवाएं सब प्रचार करोगे रक्ष सम्यक प्रचार करोगे रक्ष सम्यक रक्तम होने पर रक्तस्राव अपने आप ही रुक जाता है। यही समय का प्रमुख लक्षण है। वेदना शांति वेद परीक्षा सम्यक विश्रावित लिंग प्रसादो मनस्तस्ता शरीरगत वेदना के स्थान में लागव पीड़ा सहन व्याधि तीव्रता कम होने तथा मन प्रसन्न ये सम्यक योग के लक्षण हैं। योग होने पर जप छान के द्वारा समय मात्रा में रक्त स्रावित न होने पर रक्त योग्य प्रकार से करें समुद्र स्थान पर से गाढ़ बंद स्थान पर स्थित पदार्थ आचरण करके जैसे अर्थवस्थ कौन बता दीजिए तो भोजन स्थान में सहन रोजियों के लिए तथा उन्हीं के पास का सेवन करें तो पुतारों से रक्तदान अपने पत्नी से दान करते हुए वेदित से रक्त दूसरे स्थान पर पुनर्वेदन करें अब यदि उनके रोजियों के पास मधु मिलाकर पान करें पीड़न बकरी खरगोश भेड़ आदि प्राण पुत्र रक्त प्रशन करें आयुर्वेद के अनुसार रक्त श्रावण योग से स्थान के उपाय समावेश करें शीत प्रयोग उष्ण प्रयोग दयान रक्त प्रयोग रक्त पीड़क आदि रक्त मोक्षोत्तरम कर्म रक्त से कादे शीत प्रभुक दे अंजल सोपम सतोदम कोष्ठन सर्पीसा परिसेचिये रक्त
श्रवण के पश्चात दरख्त रोकने के लिए ऐसी तला दी है स्थानीय उपचारों के कारण सूची धनवत वेदना उत्पन्न होकर शोक निर्माण हुआ तो मनुष्य गत से उस स्थान पर परिषेक करें। सो स्टूडेंट अपने इस क्लास में पढ़ा प्रस्थान करो उसके पश्चात प्रस्थान किसे कहाँ कहाँ मतलब कौन पैन डिग्री तो उसके बाद उसके योग्य लक्षण अयोग्य लक्षण अति योग्य लक्षण तब मैं प्रस्थान करूँ के लक्षण अयोग होने पर उपचार अति योग चिकित्सा रक्ष मोक्ष उत्तर कर्म ये अपन ने इसे पढ़े। तो स्टूडेंट्स इस सेशन इज पावर डिजिटल वर्जन 2.0 जो कि विद्यापुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। I hope you are satisfied with the digital session. If you have any doubts and queries, please mention in comments box. I will resolve it soon. Thank you, students.